जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तो देखकर काफी यूनिक सा लगा था कि भाई साहब एक अलग सा कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेगा, लेकिन इससे कोई ज्यादा उम्मीदें लगा ही नहीं थी मैंने। फिर बिना ही ऐसे उम्मीदों के इस मूवी को देखने गया और सच में इस मूवी ने सरप्राइज किया। तो आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जनहित में जारी मूवी के बारे में। तकरीबन जो इसकी लेंथ है वो 2.5 घंटे के आसपास रखी गई है और इस मूवी में मेन भूमिका में आपको नजर आएंगी नुसरत भरूचा, शायद मैंने उनका नाम सही से लिया हो। प्यार का पंचनामा जो मूवी थी, 1 और 2 दोनों ही मूवी, वहां पर जब मैंने इनको देखा था, उनकी जो परफॉर्मेंस मैंने इनकी देखी थी, मुझे बहुत ज्यादा ये पसंद आई थी। हाँ, बाकी की और मूवीज भी इन्होंने की हैं, उनके अंदर भी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन प्यार का पंचनामा की तो एक अलग ही बात है, उसमें अलग ही लेवल की परफॉर्मेंस है। खैर, इस मूवी पर फोकस करते हैं। तो इस जनहित जारी की जो मूवी है, इसमें स्टोरी की अगर बात करें तो एक लड़की होती है मनु, उसको एक जॉब मिलती है। उस जॉब में मतलब कि उसको निरोध बेचने होते हैं, यानी कि कॉन्डोम जो है उसे बेचने होते हैं। अब यहां पर एक तरीके का सोशल मैसेज दिया गया है कि प्रोटेक्शन यूज करो, इससे काफी ज्यादा मतलब कि जो प्रोटेक्शन यूज नहीं करते तो इससे महिलाओं को कितना ज्यादा झेलना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर जैसी जो प्रॉब्लम आ जाती हैं, कोई दवाई, कोई मेडिकल, जो मिसकैरेज होता है, तो ये सब चीज़ें कैसे वो झेलती हैं, तो इसको इस मूवी के अंदर उठाया गया है। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इशू, मैं इसको कह सकता हूँ कि हाँ, सोशल के तौर पे हम देखें, सोशल लेवल पे, या मतलब क्या कह रहा हूँ कि सामाजिक तौर पे अगर हम बात करें तो हम अपने यार दोस्तों को, जैसे मैं बात करूँ कि एक मैरिड कपल है जिनको मैं जानता हूँ, उसमें से जो मेल है जिसको मैंने मतलब कि ये सलाह दी भी थी कि भाई तूने प्रोटेक्शन क्यों नहीं यूज़ किया, रीज़न ये था क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी, तो वहाँ पर हम कहते भी रहते हैं। और ये मूवी कहीं ना कहीं उसी लेवल को, उसी जागरूकता को ये बढ़ाना चाह रही है। अब आते हैं मूवी की स्टोरी के ऊपर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, तो मनु का जो इस काम है, इसको इसके माँ बाप कैसे एक्सेप्ट करते हैं, समाज कैसे एक्सेप्ट करता है, इसकी रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, और फिर जब इसकी शादी होती है तो वहाँ पर उसका जो नया परिवार है वो उसको कैसे एक्सेप्ट करता है, तो ये जर्नी हमें देखने को मिलेगी। सोशल मैसेज के साथ साथ इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हमारे सामने मूवी को रिप्रेजेंट किया है कि फर्स्ट हाफ में तो भाई साहब इतनी कॉमेडी है, फनी सीन है, और ऐसे ऐसे सीन हैं जो मतलब कि मेरा मन कर रहा था कि भाई पीछे मैं उसको मतलब कहूं कि भाई यार एक बार ये सीन फिर से लगा दे, क्योंकि इसको देखने का फिर से मन है, पेट पकड़ के हंसोगे, इतने जबरदस्त सीन है। फिर इसके बाद जो डायलॉग हैं वो भाई साहब A1 है, मतलब कि एक जो इसके अंदर विजय राज सर हैं, उनकी जो प्रधान जो वो बनते हैं, या फिर मतलब प्रधान बनने के लिए वो वोट मांग रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि चलिए 2 मिनट का मौन रखते हैं, और मौन रखते हैं इतने में मतलब जनता गायब हो जाती है। फिर वहां पर जो कुछ लोग बचे हुए होते हैं तो उनसे पूछते हैं भाई तुम क्यों नहीं गए, तो वो कहते हैं कि भाई हमारा ही तो टेंट है, हम इसको ही तो लेके जाएंगे, और नीचे बैठा एक लड़का, ये क्यों नहीं गए, कहते ये चल नहीं सकता, ये लंगड़ा है इसलिए ये जा नहीं पा रहा, वरना कह तो हमसे कब से रहा है कि चलो चलो चलो। तो ये वो मतलब अभी मैं आपको वो बता नहीं सकता कि उस वक्त जब आप सुनेंगे तो कितना ही आनंद आएगा। तो चारों तरफ किलकारियां गुज रही थी, हंसी के ठहाके थे थिएटर के अंदर, तो वास्तव में मूवी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, सोशल मैसेज भी हमको दिया है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो हर एक कलाकार ने पूरी ईमानदारी से अपनी परफॉर्मेंस निभाई है। फर्स्ट हाफ काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी से भरा है, सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत कॉमेडी है, लेकिन मतलब कि थोड़ी बहुत कम कर दी गई है, बाकी कॉमेडी है, फनी है, और मतलब कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ें भी उसके अंदर आ जाती हैं, ऐसे थोड़े कि हर टाइम फनी फनी चीज़ें चलेंगी। मतलब कि कुल बात करूं तो आपको कहीं पर भी बोरियत ऐसा फील होगा ही नहीं, बोरियत तो दूर की बात है, आप बहुत एक तरीके से एंटरटेनमेंट आपको मिलने वाला, एंजॉय आप इस मूवी को करोगे। तो मेरी तरफ से तो मैं इसको कहूंगा कि आप डेफिनेटली देखने जाएं, 8 out of 10 मैं इसको देना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। होता है ना कि यार कई कई ऐसी मूवीज होती हैं जिनसे हम एक्सेप्ट नहीं करते, वो मूवी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाती है। अभी मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है क्योंकि सब कुछ बंद करके मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बहुत ज्यादा गर्मी है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस मूवी की लगी वो इसकी रियलिस्टिक का होना, मतलब कि आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे इतना अच्छे तरीके से उन सब चीजों को, बैकग्राउंड में जो चीजें दिखाई गई हैं, जो भी मोहल्ला जो उसके अंदर दिखाया जाता है, जो घर जिसके अंदर दिखाए जाते हैं, तो वो आप जब देखेंगे ना तो उससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये अच्छी चीज है इस चीज में। तो अगर आप लोगों ने देखी है तो प्लीज कमेंट करना, अगर नहीं देखी तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंडेड करना चाहूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।